बंगाल चुनाव के दौरान शह और मात का खेला अभी भी जारी है, लेकिन शाह जी ने इस पूरे मैच के दौरान दावे तो कुछ और ही किए थे। दावा तेरा दावा, दावा तेरा दावा, दावे पे तेरे मारा गया नेता, वो सीधा सादा दावा तेरा दावा। 2 मई को निश्चित है दीदी हारने वाली। 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये दाव तो उल्टा पड़ गया शेखर। सिर्फ यही दाव उल्टा नहीं पड़ा बंदरू, इससे भी बड़े बड़े दाव उल्टे पड़ गए। शाह जी ने एक दावा तो ऐसा कर दिया था कि अब मैं क्या कहूं, इसलिए मैं कहता नहीं हूं, आप खुद ही देख लीजिए। मैं तो हर रोज भगवान को प्रार्थना करता हूं कि 2 मई के पहले दीदी का पैर ठीक हो जाए। इसलिए ठीक होना चाहिए कि जब गवर्नर साहब को वो इस्तीफा देने जाए तो अपने पैर पर चलकर इस्तीफा देने जाए। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा से भी ज्यादा हो गया, मगर दीदी भी कम नहीं है। इस पर दीदी ने भी जो जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। जखम আমি মনে করি আমার একটা পায়ে না, ওই একটা পা দিয়ে বলে এমন বল মারবো মাঠের বাইরে বের করে দেবো। यानी शाहजी के तमाम दावों के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा है कि ममता दीदी इस्तीफा देने जा रही, क्योंकि बंगाल की पब्लिक ने उन पर ममता नहीं दिखाई, और ममता दिखाई तो किस पर, ममता दिखाई तो किस पर दिखाई जा रही है, इसलिए क्योंकि बंगाल की प्रबुद्ध जनता ने उनके बजाय ममता दीदी पे ही ममता दिखाई। बीजेपी के एकदम बोल आउट कर दिन, बोल आउट कर दिन। बीजेपी के ना वोट चाहिए की करबे, खेदे मोटा होबे, एमबीसी तो मोटा मोटा होए गेछे, प्रचुर मोटा होए गेछे खे खे। इस पूरे शहमात के खेल के दौरान, या यूं कहें कि ढोकला वर्सेस माछ भात के खेल के दौरान, शाह जी ने अपनी एक रैली में ऐसा कुछ कर दिया कि बहुत नहीं माना कि चुनावी गर्मा गर्मी में काफी कुछ कह दिया जाता है, लेकिन शाह जी ने तो एक रैली में ऐसा कुछ कह दिया कि अब मैं क्या कहूं, आप खुद ही देख लीजिए। ये इधर का जो भीड़ है, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जो उस टाइम ममता जी के साथ थे आज इधर है, क्या कहना। देखिए एबीपी भी अभी ममता जी के साथ है, चुनाव के बाद हमारे साथ आ गए। अजीब लगा ना, फिर से देखिए। ये इधर का जो भीड़ है, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जो उस टाइम ममता जी के साथ थे आज इधर है, क्या कहना। देखिए एबीपी भी अभी ममता जी के साथ है, चुनाव के बाद हमारे साथ आ गए। नहीं शाह जी, नहीं, एबीपी तो हमेशा से जनता के साथ थी, न उनके साथ थी, न इनके साथ थी, न उसके साथ थी, न इसके साथ थी, जनता के साथ। बिल्कुल सही बात है। दरअसल होता क्या है बंदरू, कि कभी कभी हमारे नेता सच्चाई से आंख चुराने लगते हैं, वो सच्चाई देखना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो वो चाहते हैं दूसरे भी वही देखे दिखाएं। आखिर में मैं तो जनाब वसीम बरेलवी साहब के लफ्जों में यही कहना चाहूंगा कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, लाख तलवारें बढ़ी आती हों गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आएं कैसे।